आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी रंगभूमि भाग वन। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उसके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशाला है और मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पांडेपुर ऐसी ही बस्ती है। वहाँ न शहरी दीपकों की ज्योति पहुँचती है, न शहरी छिड़काव के छींटे, न शहरी जल खेतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं और उनके पीछे कई इक्के वाले, गाड़ीबान, ग्वाले और मजदूर रहते हैं। दो चार घर बिगड़े सफेद पोशों के भी हैं, जिन्हें उनकी हीनावस्था ने शहर से निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारत वर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है और भीख मांगना बना बनाया काम है। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध है। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण है। बाह्य दृष्टि बंद और अंतर्दृष्टि खुली हुई। सूरदास एक बहुत ही छीनकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे दैव ने कदाचित भीख मांगने ही के लिए बनाया था। वह नित प्रति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और रागीरों को जान की खैर मनाता। दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, यही उनकी टेक थी और इसी को वह बार बार दोहराता था। कदाचित वह इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों को अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता था, लेकिन जब कोई इक्का आ निकलता तो वह उसके पीछे दौड़ने लगता और बगियों के साथ तो उसके पैरों में पड़ लग जाते थे, किंतु हवा गाड़ियों को वह अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव से उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियों को किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातः काल से संध्या तक उसका समय शुभ कामनाओं में ही कटता रहा। यहाँ तक कि माघ पूस की बदली, अरवायु तथा जेठ वैसाख की लू लपट में भी उसे नागा न होता था। कार्तिक का महीना था, वायु में सुखद शीतलता आ गई थी। संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्घी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ीवानों ने उनके नीचे गाड़ियां ढील दी। उनके परछाई बैल ठाट के टुकड़ों पर खली और भूसा खाने लगे। गाड़ीवानों ने भी उपले जला दिए। कोई चादर पर आटा गूंदता था, कोई गोल गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेकता था। किसी को बर्तनों की जरूरत न थी। सालन के लिए घुइये का भुरता काफी था और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कुछ चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेकते और गाते थे। बैलों के गले पर बंधी हुई घंटियां अमीरों का काम दे रही थी। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भगत, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहीं ढहे डोए। गणेश, हाँ क्यों नहीं, एक गांव में एक सूर्या है, तुम्हारी ही जात बिरादरी की है, कहो तो बातचीत पक्की करो, तुम्हारी बारात में दो दिन मजे से बाटिया लगे। सूरदास कोई जगह बताते जहाँ धन मिले और इस भीखमंगी से पीछा छुटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की और चिंता हो जाएगी। ऐसी बेरी पैर में नहीं डालता, बेरिया ही सर तो सोने की तो हो। गणेश, लाख रुपए की मेहरिया न पा जाओगे। रात को तुम्हारे पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी तो एक बार फिर जवान हो जाओगे, ये हड्डियां न दिखाई देगी। सूरदास, तो रोटियां का सहारा भी जाता रहेगा, ये हड्डियां देखकर ही तो लोगों को दया आ जाती है, मोटे आदमियों को भी कौन देता है, उल्टे और ताने मिलते हैं। गणेश, अजी नहीं, वो तुम्हारी सेवा भी करेगी, तुम्हें भोजन भी देगी, बेचन सा के यहाँ तेलहन झाड़ेगी तो चार आने रोज पाएगी। सूरदास, तब तो और भी दुर्गति होगी, घर वाली की कमाई खाकर किसी को मुंह दिखाने लायक भी ना रहूंगा। सहसा एक पिटन आती हुई दिखाई दी। सूरदास लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ। यही उसकी कमाई का समय था। इसी समय शहर के रईस और महाजन हवा खाने आते थे। फीटन जब ही सामने आई, सूरदास उसके पीछे, दाता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, कहता हुआ दौड़ा। फीटन में सामने की गद्दी पर मिस्टर जान सेवक और उनकी पत्नी मिसेज जान सेवक बैठी हुई थी। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जान सेवक दूहरे बदन के गोरे चिट्टे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था, सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था, जो उन पर खूब खिलता था। मुख आकृति से गरूर और आत्मविश्वास झलकता था।
मिसेस सेवक को कालगति ने अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी और उसे हृदय की सक्रियता टपकती थी, जिसे सुनहरी ऐनक भी न छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मसें भीग रही थी। छरहरा डील, इकहरा बदन, निस्तेज मुख, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों के करुणा की ज्योति से निकली पड़ती थी। वह प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीले आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों की उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गया हो। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी, जड़ का कहीं आभास तक न था। सूरदास किटन के पीछे दौड़ता चला आता था। इतनी दूर तक और इतने वेग से कोई मंझा हुआ खिलाड़ी भी न दौड़ सकता था। मिसेज सेवक ने नाक सिकोर कर कहा, इस दुष्ट की चीख ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले, क्या यह दौड़ता ही चला जाएगा? मिस्टर जान सेवक बोले, इस देश के सिर से यह बला न जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात न हो, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियाँ भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना ले, जहाँ महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। प्रभु सेवक, यह प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांग कर अपना और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानियों और ऋषियों के लिए भी यह कोई अपमान की बात न थी, किंतु वे लोग माया मोह से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा को अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार है, घर से खाली हाथ मुकदमे लड़ने चलते हैं। दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी का मृत्यु का हीला करके भीख मांगते हैं। शाम को नाज बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्द रुपए बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों की जेब में चले जाते हैं। मिसेज सेवक, साइज इस अंधे से कह दो भाग जाए, पैसे नहीं है। सोफिया, नहीं मामा, पैसे हो तो दे दीजिए। बेचारा आधे मील से दौरा आ रहा है, निराश हो जाएगा, उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। माँ, तो उससे किसने दौड़ने को कहा था? उसके पैरों में दर्द होता होगा। सोफिया, नहीं। अच्छा मामा, कुछ दे दीजिए, बेचारा कितना हाँफ रहा है। प्रभु सेवक ने जेब से केस कंस निकाला, किंतु तांबे या निकिल का कोई टुकड़ा ना निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में माँ के नाराज होने का भय था। बहन से बोले, सोफी खेद है, पैसे नहीं निकले। सही से अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चला जाए, वहाँ शायद पैसे मिल जाए। किंतु सूरदास का इतना संतोष कहाँ, जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा न रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा न छोड़ा, पूरे एक मील तक दौड़ता चला गया, यहाँ तक कि गोदाम आ गया और फिटन रुकी। सब लोग उतर पड़े, सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ठूंठ खड़ा हो। हाँपते हाँपते बेदम हो रहा था। मिस्टर जॉन सेवक ने यहाँ चमड़े की आढ़त खोल रखी थी। ताहिर अली नाम का एक व्यक्ति उसका गुमास्ता था, बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जॉन सेवक ने पूछा, खां साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहिर, हुजूर, अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है कि आगे अच्छी होगी। जॉन सेवक, कुछ दौड़ धूप लीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम न चलेगा, आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहाँ एक शराब और गाड़ी की दुकान खुलवा दूँ, तब आसपास के चमार यहाँ रोज आएंगे और आपको उनसे मेल जोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इन छोटी छोटी चालों के बगैर काम नहीं चलता। मुझी को देखिए, मुझे ऐसा ही शायद कोई दिन जाता होगा जिस दिन शहर के दो चार धनी मनी पुरुषों से मेरी मुलाकात न होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई तो कई दिनों का दौड़ धूप ठिकाने लग जाती हूँ। ताहिर, हुजूर, मुझे खुद फिक्र है, क्या जानता नहीं हूँ तो मालिक को चार पैसे का नफा ना होगा तो यह काम करेगा ही क्यों? मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा नहीं होता, 20 रुपये का तो गल्ला भी काफी नहीं होता और सब जरूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे ना कहूँ तो किससे कहूँ? जॉन सेवक, कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहीं कहाँ है आपका हिसाब किताब, लाइए देखूं।
यह कहते हुए जॉन सेवक बरामदे में एक टूटे हुए मोड़े पर बैठ गए। मिसेस सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिरी ने हिसाब की बही सामने ला कर रख दी। साहब इसकी जांच करने लगे। दो चार पन्ने उलट पलट कर देखने के बाद नाक चिकोर कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है। उस पर आप कहते हैं तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहाँ तो कुछ पता नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल रवाना किया। खरीदार को प्रति खाता एक आना दस्तूरी मिलती है, वह कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर, क्या उसे भी दर्ज कर दूं? जॉन सेवक, क्यों, वह मेरी आमदनी नहीं है। ताहिर, मैंने तो समझा कि वह मेरा हक है। जॉन सेवक, हरगिज नहीं, मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूँ। तोड़ियां बदल कर, मुलजिमों का हक है खूब, आपका हक तनखा, उसके सिवा आपको कोई हक नहीं है। हुजूर, अब आइंदा ऐसी गलती ना हो। जॉन सेवक, अब तक आपने इस मद में जो रकम वसूल की है वह आमदनी में दिखाई। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं करता। ताहिर, हुजूर बहुत छोटी रकम होगी। जॉन सेवक, कुछ मुजायका नहीं, एक ही पाई सही, वह सब आपको भरनी पड़ेगी। अभी वह रकम छोटी है, कुछ दिनों में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुँच जाएगी। उस रकम से मैं यहाँ एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूँ, समझ गए? नेम साहब की यह बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए, यह जमीन कहाँ है जिसका आपने जिक्र किया था? गोदाम के पीछे की ओर एक विस्तृत मैदान था, वहाँ आसपास के जानवर चढ़ने आया करते थे। जॉन सेवक यह जमीन लेकर वहाँ सिगरेट बनाने का एक कारखाना खोलना चाहते थे। प्रभु सेवक इसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्ति करने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक के साथ प्रभु सेवक और उसकी माता भी जमीन देखने चली। पिता और पुत्र ने मिलकर जमीन का विस्तार नापा, कहा कारखाना होगा, कहाँ बादाम, कहाँ दफ्तर, कहाँ मैनेजर का बंगला, कहाँ श्रमजीवियों के कमरे, कहाँ कोयला रखने की जगह और कहाँ से पानी आएगा। इन विषयों पर दोनों आदमियों ने देर तक बातें होती रही। अंत में मिस्टर सेवक ने ताहिर अली से पूछा, यह किसकी जमीन है? हुजूर, यह तो ठीक नहीं मालूम, अभी चलकर यहाँ किसी से पूछ लूंगा, शायद नायक राम पांडा की है। साहब, आप उसे यह जमीन कितने में दिला सकते हैं? ताहिर, मुझे तो इसमें भी शक है कि वह इसे बेचेगा भी। अजी, बेचेगा उसका बाप, उसकी क्या हस्ती, रुपए के 17 आने दीजिए और आसमान के तारे मंगवा दीजिए। आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बातें कर लूंगा। और दूसरे वक्त, मुझे तो भय है कि यह कच्चा माल मिलने में कठिनाई होगी, इधर लोग तंबाकू की खेती कम करते हैं। जॉन सेवक, कच्चा माल पैदा करना तुम्हारा काम होगा। किसान को ऊंट या जौ गेहूं से कोई प्रेम नहीं होता, वह जिस जींस के पैदे करने में अपना लाभ देखेगा वही पैदा करेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। खां साहब, आप उस पंडे को मेरे पास कल जरूर भेज दीजिएगा। ताहिर, बहुत खूब, उसे भेजूंगा, उसे कहूंगा। जान से वो कहूंगा नहीं, उसे भेज दीजिएगा। अगर आपसे इतना भी ना हो सका तो मैं समझूंगा आपको सौदा पटाने का जरा भी ज्ञान नहीं। मिसेज सेवक, अंग्रेजी में, तुम्हें इस जगह पर कोई अनुभवी आदमी रखना चाहिए था। जान सेवक, अंग्रेजी में, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूँ, वे अपने अनुभव से अपना फायदा सोचते हैं, तुम्हें फायदा नहीं पहुँचाते। मैं ऐसे आदमियों से कोसों दूर रहता हूँ। ये बातें करते हुए तीनों आदमी फिटन के पास गए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे, वो यहाँ सोफिया खड़ी सूरदास से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु, यह अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलॉसफर है। मिसेस सेवक, तू जहाँ जाती है वहीं तुझे कोई ना कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है। क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं करता? सोफिया, अंग्रेजी में, मामा, यह अंधा निरागवार नहीं है। सूरदास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद ये अपमानपूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए। अपना आदर करने वाले के सामने अपना अपमान कई गुना असन्ना हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती। मिसेस सेवक, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया? इसलिए कि तू भीख मांगता फिरे? तेरा भगवान बड़ा अन्यायी है। सोफिया, अंग्रेजी में, मामा, इसका अनादर क्यों कर रही है कि मुझे शर्म आती है। सूरदास, भगवान अन्यायी नहीं है, मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी, जैसे कर्म किए वैसे फल भोग रहा हूँ, यह सब भगवान की लीला है। वह बड़ा खिलाड़ी है, घरौंदे बनाता बिगाड़ता रहता है, उसे किसी से बैर नहीं, वह क्यों किसी पर अन्याय करने लगा? सोफिया, मैं अगर अंधी होती खुदा को कभी माफ न करती। सूरदास, मिस साहब अपने आप
अपने पाप सबको आप भोगने पड़ते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। सोफिया, मामा यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया तो फिर ईसाई समान दशा में क्यों नहीं है? अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले सभी तरह के लोग मौजूद है, इसका क्या कारण है? मिसेज सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहब, अपने पापों का प्रायश्चित हमें आप करना पड़ता है। अगर आज मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया तो संसार में अंधेर मच जाए। मिसेज सेवक, सोफी, बड़े अफसोस की बात है, इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंट निम ने पिम ने स्वयं कई बार तेरी शंका का समाधान किया है। प्रभु सेवक, सूरदास, तुम्हारे विचार में हम लोगों को बैरागी हो जाना चाहिए क्यों? सूरदास, हाँ, तब तक हम बैरागी ना होंगे दुख से नहीं बच सकते। जान सेवक, शरीर में भभूत मलकर भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है, यह हमें दुखों से क्यों पर मुक्त कर सकता है? सूरदास साहब, बैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। बैराग तो मन से होता है, संसार में रहे पर संसार का हो कर न रहे, इसी को बैराग कहते हैं। विशेष सेवक, हिंदुओं ने ये बातें यूनान के जब पवे से सीखी हैं, किंतु यह नहीं समझते कि उनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। यह हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर न पड़े। इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे न मिले तो दिल में हजारों गालियां देगा। जॉन सेवक, हाँ, इसे कुछ मत देखो, कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी गुनगुनाया तो हंटर से बातें करूंगा, सारा बैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख धेले धेले के लिए, मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है, उस पर दावा यह कि बैरागी हूँ। कोचवान से, गाड़ी फेरो, क्लब होते हुए बंगले चलो। सोफिया, मामा कुछ तो जरूर दे दो, बेचारा आशा लेकर इतनी दूर दौड़ा आया था। प्रभु सेवक, ओहो, मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही न रही। जॉन सर, हरगिज नहीं, कुछ मत दो, मैं इसे बैराग का सबक देना चाहता हूँ। गाड़ी चली। सूरदास निराश की मूर्ति बना वही अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। वह उपचेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास, खेद है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, फिर कभी आऊंगी तो तुम्हें इतना निराश न होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूरदास स्थिति को भली भांति समझ गया, हृदय को क्लेश तो हुआ पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब, इसकी कोई चिंता नहीं, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने माँ से कहा, मामा, देखा आपने, इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। प्रभु सेवक, हाँ, दुखी तो नहीं मालूम होता। जन सेवक, उसके दिल से पूछो। मिसेज सेवक, गालियां दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी, इतने में ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर, यह जमीन पंडा का नहीं, सूरदास की है, यह कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसे सेवक को देखा, गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास आए और नम्र भाव से बोले, क्यों सूरदास, यह जमीन तुम्हारी है? सूरदास, हाँ हुजूर, मेरी ही है, बाप दादों की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जान सेवक, तब तो मेरा काम बन गया, मैं चिंता में था कि न जाने कौन इसका मालिक है, उससे सौदा पटेगी भी या नहीं। अब तुम्हारी है तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम जैसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज्यादा झंझट न करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास इतनी जमीन है तो तुमने यह मेष भेष क्यों बना रखा है? सूरदास, क्या करूं हुजूर, भगवान की जो इच्छा है वह कर रहा हूँ। जान से लो, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी, बस यह जमीन मुझे दे दो। उपकार का उपकार और लाभ का लाभ, मैं तुम्हें मुहमांगा दाम दूंगा। सूरदास, सरकार, पुरखों की यही निशानी है, बेच कर उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगा। जान से यही सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों का नाम चलता रहेगा। सूरदास साहब, इस जमीन से मूल्य वालों का बड़ा उपकार होता है, कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है, आसपास के सब डोर यही चरने आते हैं, बेच दूंगा तो डोरों के लिए कोई ठिकाना न रह जाएगा। जान सर, कितने रुपये साल चराई के पाते हो? सूरदास, कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को यूं ही दे देते हैं,
तो किसी से चराई क्यों लूं? किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना ही सही। जॉन से बात आश्चर्य से, तुमने इतनी जमीन यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी हो? सोफिया सत्य कहती थी, तुम त्याग की मूर्ति हो। मैंने बड़े बड़ों से इतना त्याग नहीं देखा। तुम धन्य हो, लेकिन जब पशुओं पर इतनी दया करते हो तो मनुष्यों को कैसे निराश करोगे? मैं यह जमीन लिए बिना तुम्हारा गला न छोड़ूंगा। सूरदास सरकार, यह जमीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ न लूं कुछ कह नहीं सकता। आप इसे लेकर क्या करेंगे? जान सके, यहाँ एक कारखाना खोलूंगा जिससे देश और जाति का उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेगी, इसका यश भी तुम्ही को होगा। सूरदास, हुजूर, मोहल्ले वाले से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। जान सके, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने में तुम्हारा घाटा न होगा। तुम जिस तरह खुश होगे उसी तरह खुश करूंगा। यह लो, जेब से 5 रुपए निकालकर, मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, उस अपमान को क्षमा करो। सूरदास, हुजूर, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपए न लूंगा। जान से बक, तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूं? इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास, नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपए नहीं लिए। तब वह हार कर गाड़ी पर जा बैठे। मिसेस सेवक ने पूछा, क्या बातें हुई? जॉन सेवक, है तो भिखारी पर बड़ा घमंडी है, 5 रुपए देता था ना दिया था ना लिया। मिसेस सेवक, है कुछ आशा? जॉन सेवक, जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है। गाड़ी तेज हो गई। हम सुन रहे थे कहानी प्रेमचंद्र की रंगभूमि भाग 1। धन्यवाद।